छोला बनाने, तभी छोला के लिए चना फुलाए हुए हैं। बच्चे लोग को छोला और पूरी खाने के मूड था, तो अभी इस शाम के टाइम हो गई है, अभी बारिश हो रही है, तो अभी हम चल रहे हैं इसको अच्छे से साफ से धोने। ये आज थोड़ा गज्जा गज्जा टाइप के दिख रहा था, इसको अच्छे से नहीं धोएंगे तो बदबू देगा। उसको बनाने के बाद थोड़ा सा अजीब टाइप की महकने लगती है, तो थोड़ा सा अब इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो प्याज काटेंगे और सभी खड़े मसाला ही डाल के छोला बनाएंगे। एक वीडियो डाले हुए हैं तो अभी आपको दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसको साफ से धो लिए, इसमें पानी है थोड़ा सा। इसको कुकर में जब बनाएंगे तो थोड़ा पानी के साथ डालेंगे, जो अच्छा से बनेगी तो आप लोग बने रहेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ का किए प्याज काट लिए, हरा मिर्च लहसुन छील लिए, और इधर एक टमाटो काट करके रख लिए हैं, और इधर ये कुकर गरम कर रहे हैं। और कुकर गरम हो जाती है तो आप लोग को दिखा रहे हैं जब कैसे बनाते हैं, और बना करके दिखाएंगे। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और जानते हैं फ्रेंड, साड़ी पहन के चाहते हैं काम करने का, बाकी साड़ी पहन के काम होती नहीं है, हो नहीं पाती है। आज कोशिश कर रहे हैं, बाकी अब नहीं लग रहा है हम कर पाएंगे। अभी तुरंत हमको लगता है खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमको अजीब होने लगता है, उठ बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ काम बैठ करके भी करना पड़ता है, तो इसलिए हमको अजीब होने लगता है। तो अभी हमको लग रहा है कि साड़ी खोल देना होगा, और तब तक आप लोग बने रहिए। देखिए इधर और ऊपर मेरा गरम हो गई है, और इसमें ऑयल डाल चुके हैं, और अभी इसको डालेंगे अब प्याज, और थोड़ा फोरन डालेंगे जीरा का, और वो डाल करके भी करेंगे, क्योंकि इधर अंधेरा अंधेरा दिख रहा, पूरा फ्रेश नहीं दिख रहा, दिन रात दिखा देते, लाइट है सो उधर चलता है, और यहाँ पर नहीं कुकर में नहीं दिखे, कढ़ाई में बनाते तो दिखता। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा जीरा डालेंगे, गरम हुए पटपट कर रही है। अब इसमें डाल देंगे लहसुन और हरा मिर्च, दो हम डाल दिए लहसुन और हरा मिर्च, और साथ में थोड़ा प्याज भी डाल दिए हैं। थोड़ा सा ब्राउन हो जाना चाहिए लहसुन को, तो थोड़ा ब्राउन कर रहे हैं, और ब्राउन हो जाते हैं इसमें हम है। तो चलिए अब इसमें हम हल्का ब्राउन हो गई है प्याज को, वो ब्राउन नहीं करना था पूरा, मैंने थोड़ा सा उसका प्याज का महक होती है वो हमको मारना था, तो हम क्या कर लेते हैं जी अच्छे से अपना चना बनाने भर निकाल लेते हैं, क्योंकि चना हम ज़्यादा फुलाए थे, तो आप देख सकते हैं। और चना रख लेते हैं, जो सुबह सुबह बाबू खा के कोचिंग जाएगा। और ठंडा भी मौसम है, बासी भी चाहे छोला रहेगा तो हम खा लेंगे, हमको अच्छा लगती है छोला, बच्चे लोग को भी गर्म करके दे देते हैं तो भी लोग खा लेते हैं। तो थोड़ा हम रख देते हैं और इतना का बना देते हैं, इतना चना रख दिए कभी के खाने पर, चना हम रख देते हैं, और इतना चना हम लेके जा रहे हैं बनाने। तो चना अपना और अच्छे से चला दिए, क्योंकि थोड़ा पानी के साथ ये चना को सिकाइए है, तो अभी सभी मसाले डाल रही, क्योंकि किस तरह के मसाला
जा रहा था। तो सबसे पहले बात है ये सब्जी मसाला को आप देख सकते हैं, तो इसमें एक कप सब्जी मसाला हम डाल चुके हैं। अब इसमें कलर अनुसार हम डाल देंगे हल्दी, अब इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, नमक डाल दीजिए। अब इसमें हरा मिर्च डाले हैं, लेकिन थोड़ा सा डालेंगे रेड चिली, थोड़ा अच्छा दिखेगा और तीखा भी थोड़ा अच्छा लगती है। थोड़ा हम इतना डाल देंगे रेड चिली, क्योंकि प्याज ज़्यादा डालने पर प्याज होता है, प्याज मीठा होती है और प्याज मीठा पत्ता मिर्चा का तीखापन काट लेती है। और इसमें थोड़ा सा मिर्चा मसाला है वो डाल देंगे। हो गया मेरा सभी मसाला रखा गया है और इसको अच्छे से हम चला दिए, अच्छे से चला दिए और ढक दिए और ये थोड़ा देर फ्राई होगा तब आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तब हमको लगता है आप साड़ी पहन के आटा उठा नहीं छान पाएंगे, तो हम चलते हैं अपने कपड़े चेंज करने, तब तक आप लोग